इस वीडियो को बूढ़े बच्चे और कमजोर दिल वाले ना देखें। ओ भाई, ये कुछ जूते की तरह का गिरा है यार, ऊपर से गिरा है कुछ जूते की तरह का। भाई निकल 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 निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इकबाल मसूद, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। लेके आ चुका हूं एक धमाकेदार व्लॉग। तो आज का व्लॉग क्या होने जा रहा है मैं आपको बता दूं, आज जा रहे हैं हम एक हॉरर जगह पे, जी हां, हॉरर व्लॉग शूट करने। और आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बता दूं आपको कि हमें जिस जगह पे जाना है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो सीधा हम वहाँ पे निकलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितनी लंबी रोड क्रॉस करने के बाद हमें वहाँ पे पहुँचना है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक हाउस दिखाएंगे आपको, हॉरर हाउस, जो कि जिसके बारे में आर्टिकल बहुत सारे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा क्या क्या आर्टिकल है आगे चल के। तो अभी जो है एकदम से मुझे यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ी सी ब्यूटी दिखी थी, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दें। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, भाई आप पूरी ब्यूटी जो है यहाँ की कवर कर लीजिए और ऑडियंस को दिखा लीजिए कि ब्यूटी कितनी अच्छी आ रही है यहाँ की। यहाँ से नीचे भी एक बार दिखा दीजिए अच्छे से। तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम सीधा आपको मिलते हैं हॉरर हाउस में, और बने रहिए आप मेरे साथ। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3 बज चुके हैं और 5-6 बजे तक तो हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ और वहाँ पर मुलाकात फिर से करते हैं। तो चलते हैं आगे। A few moments later. तो अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है इस वक्त 4:19, और अभी हम वेट कर रहे हैं किसका, हॉरर व्लॉग जाने का वेट कर रहे हैं। यहीं पे थोड़ा सा आए थे घूमने, और यहाँ पे आने के बाद एक खूबसूरत सा चश्मा आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पेशल। और इस बियाबान बर्फ में प्यारा सा चश्मा आप देख सकते हैं, एक बार बर्फ भी दिखा दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है हम हॉरर हाउस में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी टाइम 4:19 हुए हैं। हम 5:30 तक हॉरर हाउस में जाएंगे, तब तक हम यहाँ थोड़ा बहुत घूमने के लिए आए थे और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और अपने पिक्स वगैरह उठा लेते हैं। और अगर जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आइकन आ रहा है, इस पर आप जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा हॉरर हाउस में और वहीं पे मिलते हैं। अभी हम वेट कर लेते हैं और थोड़ा 1-1.5 घंटा, उसके बाद हॉरर हाउस में सीधा पहुँचते हैं। A few moments later. तो भाई सर, अभी तक हम वेट कर रहे हैं कब सूरज गुरूब हो जाए और हम पहुँचे हॉरर हाउस तक। लेकिन उससे पहले हम वहाँ जा रहे थे तो दरख्त पे कुछ लगा हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं, एक बार जूम करके दिखा दीजिए, आप व्यूअर्स को दिखा दीजिए। गाइस यार, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अभी तो मैं हॉरर हाउस के अंदर गया ही नहीं हूँ, वहाँ के हालात तो मुझे पता ही नहीं है। मैं इस पुतले को ही देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका हूँ, और देखते हैं क्या होता है, क्या क्या होता है। अभी जो है हम सूरज उतरने का वेट कर रहे थे और वो जो है उतर चुका है, एक बार आपको दिखा देते हैं, सूरज जो है उतर चुका है, एक मिनट के। तो गाइस यार, ये देख सकते हैं आप, सूरज जो है बिल्कुल वहाँ से अभी अभी उतरा है। और यहाँ के बस्ती वालों का कहना है, यहाँ जो बस्ती वाले हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पे जैसा ही सूरज गुरूब होता है उस वक़्त के बाद यहाँ पे इस बस्ती में कुछ अजीब व गरीब आत्माएं हैं, भूत प्रेत वो आ जाती हैं, ऐसा सुनने में आया है। अभी तक हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, तो अभी सीधा जाते हैं हॉरर हाउस में। क्या वाकई में वहाँ कुछ है,
अगर कुछ है तो आपको भी दिखेगा और हमको तो दिखे ही दिखेगा, आपको भी दिखाएंगे तो सीधा आपको ले चलते हैं अब हॉरर हाउस में और वहीं पे करते हैं मुलाकात। तो फाइनली अभी जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, ये एक हाउस था, एक खंडर हाउस जिसको तोड़ दिया गया इस वजह से कि यहाँ पे भूत प्रेत थे पहले। तो अब यहाँ जो बस्ती वाले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के भूत प्रेत अब चले गए हैं उस हाउस में। मेरे सामने वो हाउस है जिसके बारे में आज ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं क्या क्या इसमें वाकई में भूत प्रेत हैं। तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कैमरामैन से कि भाई आप एक बार उसको ज़रूर दिखा दीजिए। वेट कर रहे थे अभी तक शाम होने का और सूरज जो है सूरज भी डूब चुका है, शाम भी हो चुकी है और अंधेरा जो है छाने वाला है। अब थोड़े टाइम में हम सीधा जाते हैं और देखते हैं वाकिया में इस हाउस में कुछ है, कुछ भूत प्रेत आत्माएं हमें नज़र आती हैं या नहीं, देखते हैं। इस हाउस में सीधा ले चलते हैं आपको, आइए भाई साहब। फाइनली गाइस ये रहा मेरे पीछे हॉरर हाउस और आ जाइए भाई। दरवाज़ा जो है बिल्कुल बंद है और हम तलाश करते हैं अंदर जाने की जगह, कोई भी हमें दिखती है, देखते हैं कहां से अंदर घुस सकते हैं हम, कहां से अंदर जाएंगे हम, देखते हैं। ये तो दरवाज़ा बंद है, तो गाइस यार ये एक और दरवाज़ा था अंदर घुसने का, लेकिन ये भी बंद है। इसलिए बंद किया है इसको क्योंकि अंदर कोई ना जाने पाए, इसलिए इसके सभी दरवाजे और खिड़की बंद करके रखी हैं। तो हम ये रिस्क लेने वाले हैं, हम कहीं ना कहीं से तो अंदर जाएंगे क्योंकि दरवाजे इसके दो हमें दिखे वो दोनों बंद थे और खिड़की वगैरह भी हमने चेक कर ली वो भी बंद है, लेकिन हमें अंदर जाना है, ये रिस्क लेंगे हम आप सब के लिए। यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो और सपोर्ट दो यार। इतनी हॉरर जगह में तो अभी तक नहीं आया, कमज़ोर दिल वाला हूँ मैं तो अभी तक ऐसी जगह पे कभी नहीं आया, लेकिन आप लोगों के लिए भाई, आप के प्यार के लिए सब मुझे करना पड़ता है और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। तो अभी जो है इसकी छत से चढ़ते हैं ऊपर और अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ से चढ़ेंगे सीधा, खिड़की वगैरह जो है दरवाजे वगैरह इसके बंद हैं, रिस्क लेने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए आगे। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और नीचे का माहौल एक बार आपको दिखाते हैं आराम से भाई। यार नर्वस बहुत ज्यादा हूँ, डरा हुआ हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो है मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी है कैमरा की, तो अभी जो है अंदर जाते हैं और देखते हैं कुछ दिखता है या नहीं। देखते हैं कुछ है यहाँ पे या नहीं, ओ तेरी की यहाँ पे या नहीं, ओ तेरी की भाई कहाँ पे हो? अरे यहाँ पे अभी कुछ हुआ यार, ये कुछ था यहाँ पे, ये क्या है यार, ये तो कुछ लकड़ी है। माय गॉड, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक बार फ़ोन पकड़ना भाई, अभी हम इसके अंदर हैं और आपने अभी देखा कुछ कड़क से हुआ और नीचे गिरा, मैंने आपको दिखाया यार, फिर भी देखते हैं और कुछ है यहाँ पे, यहाँ से आ जाओगे।
एकदम से इस दरवाजे को बंद किया, ये देख सकते हैं आप पीछे, और इसके पीछे बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यार मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि अभी जो एकदम से कटाका हुआ, तो अभी मैंने भाई को बुलाया, अभी भाई भी आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा। चले देखते हैं कुछ मूवमेंट होता है या नहीं, आप बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। और कैमरा मुझे दे दीजिए। तो गाइस यार, एक रूम आपने ये देख लिया, और एक और रूम दिखाता हूँ आपको। अगर कुछ मूवमेंट मुझे दिखी वो कैमरा में, यार बहुत ज़्यादा लाइट कम आ रही है। एक बार इस रूम में जाते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल लाइट नहीं है यार, लाइट का मसला बहुत बड़ा आ रहा है। ये आपने रूम देखे, यहाँ पे अभी कुछ गिरा है, आपको दिखाता हूँ। यार बहुत ज्यादा रिस्की हो रहा है यार, ये ब्लॉग तो बहुत ज्यादा डेंजर हो रहा है यार, सच में मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या गिरा है मम्मा? अरे भाई ये क्या है? ओ भाई ये कुछ जूते की तरह का गिरा है यार, ऊपर से गिरा है कुछ जूते की तरह का। ओ यार इधर आके देखना ना, ये देखो यार, ओ यहाँ से कुछ भाई, अभी ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने यहाँ पे देखा, आप ये देखो, यहाँ पे आके देखो, ये क्या था? जरा आप देखो, ये क्या है, क्या तेरी की? यार ये क्या कर रहे थे यार, यार ये तो एक जूता ही है यार, हम डर चुके थे, ये तो एक जूता ही है। लेकिन यार डिजाइन क्या है इस जूते का, जर सीधा करना है इसको, सीधा कर भाई, ये तो एक जूता है यार, हम ऐसे ही डर। लेकिन यार ये ऊपर से कैसे आया, कुछ समझ नहीं आया यार, यहाँ से आया ये एकदम से, अभी जैसे हम एंटर हुए हैं यार, ये ऐसे यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ तेरी की भाग भाई यार, ओ तेरी की भाग भाई यार, ओ तेरी की भाग भाई, निकल 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 निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, तेरी की ओ माय गॉड, जल्दी आ जाओ भाई, भाग जाओ यहाँ से। तो गाइस यार बहुत ज्यादा डर चुका हूँ मैं, क्योंकि अंदर आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ। और यहाँ के गांव वालों का कहना है कि ये कुआं भी हुआ करता था पहले कभी, तो इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ चक्कर से आने लगे हैं, मुझे कुछ दिमाग पे जैसे कुछ जोर सा पड़ गया है, बहुत ही नर्वस हूँ, और भाई भी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, अंदर का माहौल आपने देखा है। A few moments later. आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए ना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे, ले तो नहीं मिलेंगे यार ऐसे व्लॉग, मैं नहीं चाहता कि ऐसा व्लॉग बनाऊं कोई यार, बहुत डर लगता है यार ऐसे व्लॉग बनाने में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करते हैं। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। अगर आपको हॉरर व्लॉग चाहिए तो यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। गाइस यार देख सकते हैं व्लॉग के चक्कर में कितना अंधेरा हो चुका है हमें यहाँ पे, यार क्या बताऊँ, अभी घर में पहुँचने में अभी लगभग 2 घंटे लगेंगे यार व्लॉग के चक्कर में, यार आज तो वाट लग गई बिल्कुल, देख सकते हैं आप बिल्कुल अंधेरा हो चुका है नीचे। चलो खैर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर देख लीजिए रात के माहौल में हमारा प्यारा सा गाँव चमकता हुआ, ये देख सकते हैं आप प्यारा सा गाँव हमारा चमकता हुआ, लाइट ही लाइट चारों ओर, और मैं जा रहा हूं घर की तरफ।